नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। यहां पे दोस्तों आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो भर्ती आपकी पंचायती राज विभाग जिला लखनऊ की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिस पर आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपकी टाइपिंग होगी और उसी बेस पर सलेक्शन होने वाला है। सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये प्रतिमाह दोस्तों आपको सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले इसका हम नोटिफिकेशन आपको दिखाएं, उससे पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि 22 तारीख को आपका जो है जिला चिकित्सालय प्रयागराज में जो आपका स्वरूप रानी में कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट का जो आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ है सभी दोस्त भाई बहनों का, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग टेस्ट देने गया था और कैसे हुआ। क्या आपको सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से जो भर्ती निकल रही है वो फर्जी लग रही है या सही लग रही है? कुछ दोस्तों को ये लगता है कि फर्जी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे पता है कि लगभग यहाँ पे भर्ती के लिए एक पद के लिए लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाया गया था। जो सूचना आई है कल आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट था और इंटरव्यू था। इंटरव्यू में कुछ होता नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और यहाँ पे टाइपिंग होती है। जिन दोस्त भाई बहनों की टाइपिंग निकल गई है उनके लिए कांग्रेचुलेशन, लेकिन जिनकी टाइपिंग नहीं निकली है वो बराबर जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद आते रहे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के, आप लोग भरते रहे और टाइपिंग अपनी सीखते रहें, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका नोटिफिकेशन और दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना वो भी मैं घर बैठे आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन है दोस्तों हमने इस तरह से इसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, ताकि मैं आपको पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसी के बारे में डिटेल में बता दूं। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भी दोस्तों भर के दिखाने वाला हूं, बिल्कुल फ़ोन से बिल्कुल आसान तरीके से आप भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं संस्था और कंपनी का नाम जिसको टेंडर मिला है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पद का नाम है असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे विभाग का नाम पंचायती राज विभाग। 29 जुलाई तक आप दोस्तों फॉर्म को भर सकते हैं, 21 तारीख से इसके फॉर्म दोस्तों शुरू हो चुके हैं। दोस्तों बात करें योग्यता वगैरह की तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया, स्नातक आप किसी भी सब्जेक्ट से हों आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर से कुछ भी है, CCC, ADCA, DCA, PGDCA कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पद का नाम यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट है। इसके लिए दोस्तों पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी अप्लाई कर सकता है। 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 21 से 45 साल के बीच में दोस्तों एज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनपद आपका देखने को मिल जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की तरफ से दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अभी इसके लिए दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है तो बिल्कुल मैं आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ फ़ोन से ही। तो बिल्कुल दोस्तों आप वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे गूगल ओपन करना है अपने फ़ोन पे और वहाँ टाइप करना है सेवा योजना up.nic.in, ये वेबसाइट हमको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद दोस्तों सीधा इंटर पे क्लिक करना है। जैसे इंटर पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, इस जॉब्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए इस पर दोस्तों क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से नया पेज हमारे सामने दोस्तों ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बार मैं बता दूं कि जो दोस्त भाई पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं वो सबसे पहले पंजीकरण करेंगे, ठीक है। पंजीकरण कैसे करना ये हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। हम पंजीकरण नहीं करेंगे क्योंकि हमने कई फॉर्म भर के दिखा दिए तो नया पंजीकरण अब हमारा नहीं होगा, पंजीकरण एक बार ही होता है। तो हम सीधा लॉगिन करके आपको दिखाने वाले हैं। चलिए फटाफट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे नया पेज कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सर्वर दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउन रहता है तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय आपको मिलेगा यूजर आईडी पासवर्ड। तो हम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किए हुए तो हम यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा फटाफट दोस्तों फिल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना यूजर आईडी और यहाँ पे अपना पासवर्ड और कैप्चा तीनों चीज़ हमने फिल कर दिया है। ये कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने दोस्तों यूजर आईडी को हाइड कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, सीधा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए हम अपने जो अपना डैशबोर्ड है वहाँ पे दोस्तों लॉगिन हो चुके हैं। अब तक हमने 69 फॉर्म दोस्तों यहाँ से कम्प्लीटली भर के आप लोगों को मैंने दिखाया है। इस समय जो भर्तियाँ चल रही देखिए 1112 भर्तियाँ इस समय इस पोर्टल पर चल रही हैं, ठीक। सबसे पहले लॉगिन होने के बाद हमको क्या करना है, नौकरी के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शैक्षिक योग्यता, तो शैक्षिक योग्यता वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसा कि हम जिस भर्ती की बात कर रहे हैं उसमें स्नातक मांगा गया है तो हम स्नातक वाला ऑप्शन यहाँ से ये वाले ऑप्शन पे दोस्तों
क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियाँ इस समय स्नातक लेवल की चल रही हैं इस डैशबोर्ड पे, वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। थोड़ा सा दोस्तों हमको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों नीचे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने आपकी जो भर्ती वो पूरी तरह से ओपन हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विभाग का नाम पंचायती राज, जिला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनपद लखनऊ, ठीक है। सैलरी 25,000 रुपये प्रतिमाह दोस्तों आपको मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे 77 फॉर्म अभी तक टोटल पड़ चुके हैं। अंतिम तिथि आप 29 जुलाई तक दोस्तों फॉर्म को भर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए विवरण वाले ऑप्शन पे, जो रिक्त विवरण का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करें, कुछ इस तरह से नया पेज हमारे सामने दोस्तों ओपन हो जाएगा। कंपनी का नाम यहाँ पे आप देख पर वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पद का नाम है असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, विभाग का नाम है पंचायती राज। 29 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर टोटल पद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दो पद हैं। योग्यता ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर का आपका CCC है, DCA कुछ भी है तो यहाँ पे मान्य हो जाएगा। बात करें यहाँ पे देखिए विवरण का, ऑफिस असिस्टेंट पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी अप्लाई कर सकता। 25,000 रुपये प्रतिमाह दोस्तों सैलरी आपको मिलने वाली है। 21 से 45 साल के बीच में दोस्तों आपकी एज होनी चाहिए। ये आपका उत्तर प्रदेश जिला लखनऊ की तरफ से दोस्तों भर्ती का जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। इसमें बता दूं कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, देखिए एक्सपर्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर रिक्त विवरण भर्ती वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेंशन क्या किया गया, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पेज इस तरह से दोस्तों ओपन हो चुका। देखिए पद का नाम है ऑफिस असिस्टेंट, दो पद है, स्नातक के साथ CCC डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ हिंदी और अंग्रेजी। देखिए हिंदी में 25 शब्द, अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। 25,000 रुपये समय शुल्क एवं कर अतिरिक्त से सब कुछ मिला के यहाँ पे दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो सैलरी मैंने आपको दिखा दी, पोस्ट दिखा दी। अब देखिए ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों कैसे बनना है, यहाँ पे आवेदन करे वाले ऑप्शन पे सीधा क्लिक कर देना है। जैसे इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे, जो हमारा फॉर्म है वो अभी देखिए कम्प्लीटली भर जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दोस्तों एक बार हमको अपना डैशबोर्ड या बना लेना या कहीं से बनवा लेना साइबर कैफे से, और बस घर बैठे ही आप फॉर्म को भर पाएंगे फ़ोन से। देखिए ओके पे क्लिक कर दिया, हमारा फोन पे से ही जो है ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा चेक करना कैसे कंप्लीट भर हमारा फॉर्म भरा गया ये देखना है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, नौकरी के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पे दोस्तों पुनः क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे फिर से इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शैक्षिक योग्यता वाले ऑप्शन पे पुनः क्लिक करना है, उसके बाद स्नातक ऑप्शन लेना है, फिर से दोस्तों खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइड एकदम फ्रेश चल रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों। आप लोग कहते हैं साइड नहीं चल रही है, कितनी फ्रेश साइड चल रही है। यहाँ पर देखिए हमने 23 तारीख को फॉर्म भरा, तो यहाँ पे डेट हमारी जो है वो पड़ चुकी है और यहाँ से आवेदन करे का ऑप्शन गायब हो चुका है। यही पहचान होती है कि हमारा फॉर्म कम्प्लीटली भरा जा चुका है। तो देखिए इस तरह से हम फॉर्म कम्प्लीटली आपको दोस्तों भर के दिखा चुके हैं। तो ये रही दोस्तों आपकी पंचायती राज विभाग की तरफ से भर्ती। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो दोस्तों आज वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस कर लें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको भर्ती से रिलेटेड स्वतः मिलते रहें, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।